G20 के मद्देनजर 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में सभी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद। 9 सितंबर को शामिल हो सकती है ममता बनर्जी। चलून जुलूस से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, कई रूट्स को किया गया डाइवर्ट। सीएम शिंदे की कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्याज किसानों को 465 करोड़ रुपए की मिलेगी मदद, सीधे खाते में जमा होगा पैसा। गृह मंत्री अमित शाह वन नेशन वन इलेक्शन समिति की पहले बैठक के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के घर पहुंचे, पूरे देश में मुद्दे से गरमाया माहौल। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर संसद का होगा श्री गणेश, 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में होगा स्पेशल सत्र। मध्य प्रदेश की पहली सोलार सिटी बनेगी सांची, सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे लोकार्पण। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रमुख कमेटियों का हुआ ऐलान, कोर कमेटी में सीएम गहलोत और सचिन पायलट शामिल। उदयपुर में पहली बार दही हांडी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी महिला टीम, फोड़ेगी 25 फीट ऊंची मटकी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीद सकती है हल्दीराम में हिस्सेदारी, दोनों कंपनियों के बीच चल रही है बातचीत। FMCG और फार्मा स्टॉक्स खरीदारी के चलते बाजार में लौटी तेजी, हरे निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी।